आज है मंडे और मंडे के सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और मेरा है शिवरात्रि का फास्ट, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी सुबह सारी क्लीनिंग व्लीनिंग सब कर ली है। और नहा के अभी मैं पहले सोचा कि पहले रेडी हो लेती हूँ और फिर पूजा की जो थाली लेके जानी है मंदिर में तो मैं वही रेडी कर लेती हूँ। उसमें जल और बेर चढ़ते हैं आज के उसमें शिवलिंग पर, तो मैं वही प्लेट लगाने जा रही हूँ अभी, अपनी मतलब थाली लगानी है मंदिर में ले जाने के लिए। और अभी बस नहाई हूँ और हेयर वॉश किए है मैंने, तो बहुत जल्दी से जाना है क्योंकि आज मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी भी मैंने बाहर को निकल के देखा, मेरा और बहुत मतलब जल्दी जाने का प्लान था कि हम जल्दी ही चलेंगे, बट जल्दी इससे जल्दी हो ही नहीं पा क्योंकि मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा लेट करेंगे तो क्या पता मतलब थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए, बट आज भीड़ कम नहीं होगी क्योंकि आज मतलब सब ही बहुत मानते हैं शिव जी को और मतलब सब शिवरात्रि का व्रत भी सब ही रखते हैं। और मैं भी शिवरात्रि का व्रत बचपन से छोटी सी मतलब तब से मतलब जब से मैं जानने लगी हूँ कि हाँ महाशिवरात्रि का फास्ट भी, तब ही से शिवरात्रि का फास्ट रखती हूँ और इसीलिए आज मेरा फास्ट है। तो मैं अभी बस निकलने वाली क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो अभी बस प्लेट तैयार, थाली तैयार कर लेती हूँ मंदिर ले जाने के लिए। मतलब गंगा जल और जल का लोटा लेना है, बेल लेना है और प्रसाद लेना है। पता नहीं दिया जलेगा या वहाँ नहीं, अभी तो मैंने बाहर निकल के देखा तो कोई दिया लेके नहीं जा रहा है, तो देखती हूँ या तो धूप बत्ती ही ले जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पूजा करने मंदिर में। और बहुत मतलब पॉजिटिविटी आती है जब आप कोई फास्ट रखते हो या कोई पूजा का वो होता है, तो मन को बड़ी शांति सी मिलती है, बड़ा अच्छा सा फील होता है जब कोई ऐसा दिन होता है भगवान का या मतलब हम पूजा पाठ करते हैं। तो आज वही हो रहा है मेरे साथ भी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। प्रसाद है जो मंदिर से मिला है, तो ये कुछ मैं भगवान जी को भोग लगा दूंगी और फिर अपने ही घर में मतलब खा लेंगे इसको। मंदिर से प्रसाद मिला है ये, और मंदिर से आके मैंने पूजा भी कर ली है अपनी, क्योंकि पहले मैं मंदिर में पूजा करके आई हूँ फिर अपने घर पे पूजा की है। और अभी मैं मांटू के लिए दूध बना रही हूँ और अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि आज फास्ट है तो चाय बनाऊंगी और इसके साथ कोई फ्रूट्स ले लूंगी। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ का कवर करना इतना मुश्किल हो गया, बहुत ही ज़्यादा वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये एक ही मंदिर है शिव जी का,
तो बहुत मतलब पूरी जितनी भी कॉलोनी है और बाहर से भी बहुत भीड़ हो रही है। तो पहले मैं दूध बना रही हूँ, फिर बनाऊंगी अपने लिए चाय। मैंने अभी पी है चाय, और जिस दिन भी मैं फास्ट रखती हूँ ना तो मेरा आलस नहीं उतरता बिल्कुल भी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आज काम बहुत जल्दी कर लिया था, सुबह में जल्दी फ्री हो गई थी मैं काम से, वरना तो अगर मैं फास्ट रखती हूँ तो फिर पूजा करने के बाद और चाय पीने के बाद पता नहीं क्या होता है कि काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस अभी वैसे मैंने मशीन लगाई हुई है तो कपड़े निकालने हैं बस पानी में को, और कुछ नहीं। तो फास्ट रख के पता नहीं क्यों मन में इतना अच्छा सा फील होता है ना, इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती है कि बस पूछिए मत। तो वही हो रहा है मेरे साथ भी। और किस किस ने आज फास्ट रखा है, कौन कौन शिवरात्रि का फास्ट रखता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मुझे मतलब कुछ मिठाई भी बनानी है जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ बनती है या नहीं। वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मैंने भी वो यूट्यूब पर ही देखी है, देखती हूँ अच्छी से बनेगी या नहीं, और आज उसे मैं बना के देखूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और बस सारा काम वाम सब फ्री हो गई हूँ, और बस अब कपड़े निकाल लेती हूँ पानी में को, और फिर मिठाई बनाती हूँ और देखती हूँ आज खाने में मतलब अपने लिए क्या बनाऊँगी। थोड़ा सा आलू तो उबालने होंगे, आलू आलू उबाल लूँगी बस, ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाऊँगी। तो चलिए पहले थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। We'll be right back.
मेरा जो काम है वो बिल्कुल टाइम से ख़त्म हो गया, क्योंकि जब मॉर्निंग में हम सुबह से काम पे लग जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश हो जाता है। तो वही है, आज पूरा काम ख़त्म हो गया और फास्ट भी है, फास्ट में एनर्जी सी भी आ रही है काम करने की, तो बहुत जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करके तो अभी हम छत पर ही टहल रहे थे, क्योंकि अब आज धूप भी और हवा भी नहीं है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि मन लग रहा है छत पर। तो वही सब है, और अभी हम बैठे हैं छत पर दोनों लोग, और मांडू गई है ट्यूशन क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है SST का, तो वो ट्यूशन गई है। और मुझे एक कमेंट आया था, मैं उसी के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से। मुझे एक कमेंट आया था कि क्या आपके हस्बैंड अलाउ करते हैं आपको वीडियो बनाना, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों रिप्लाई करूँ, आज उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या मुझे अलाउ करते हैं वीडियो बनाना। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या है उनकी राय मेरी वीडियो बनाने के पीछे। हाँ जी, या हेलो गाइस, जहाँ तक सवाल प्रिया के वीडियो बनाने का है तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो चलिए फिर आज हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या ये मुझको वीडियो बनाना अलाउ करते हैं या नहीं, क्योंकि कमेंट करूँगी कुछ लोगों को भरोसा होगा और कुछ लोगों का नहीं, तो फेस टू फेस बात कर लेते हैं इन्हीं से। हाँ जी बताइए। या हाय गाइस, मैं खुद अलाउ करता हूँ प्रिया को ये वीडियो सब शूट करना, और यहाँ तक कि चैनल बनाना और ये सारी चीज़ों में जाना मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट है था प्रिया को। मैं चाहता था कि प्रिया ये सब चीज़ करे और उसने मेरी बात मानी और ये चैनल बनाया। और जहाँ तक प्रिया ने अभी कहा कि सपोर्ट की बात है, तो पूरा 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 सपोर्ट मेरा प्रिया को चैनल बनाने के लिए, वीडियो डालने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मेरा पूरा समर्थन है। और मैं ये मानता हूँ कि उनका अपना भी कुछ अधिकार है और उस अधिकार में मेरा पूरा समर्थन है। क्या उनको हक नहीं है अपने मन से चीज़ें करने का? बिल्कुल है, सबको है, तो उनको भी है। मैं भी अपने मन से बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, तो इनको कैसे मना कर सकता हूँ? फिर ये अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, वीडियो देख रहे हैं लोग, अच्छा पसंद कर रहे हैं। तो मेरा, मैं बस एक ही लाइन कहना चाहूँगा, पूरा पूरा सपोर्ट मेरा मेरी वाइफ प्रिया को है, क्योंकि वही है ना, अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। वही बात है ना, अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ, क्योंकि एक हस्बैंड के सपोर्ट के बिना ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर वाइफ को हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी नहीं करेगी, अगर इनका सपोर्ट है तो ही मैं कर रही हूँ। और मैंने कुछ ऐसा अभी तक दिखाया ही नहीं, और जो भी है इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचानी होती है, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, वही लोग हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस यही सब है, तो इसमें वो वाली बात तो है ही नहीं कि सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर सपोर्ट नहीं करते तो मैं चैनल नहीं बनाती, चैनल बनाना भी इन्हीं की देन है। तो पूरा सपोर्ट है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, हम दोनों की पूरी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है। हमारे परिवार में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में किसी को इस बात से कोई ऐतराज नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम बहुत खुली सोच के लोग हैं और हम सोचते हैं कि सबको खुली सोच रखनी चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आदमी अपने टैलेंट को, अपनी मेहनत को पब्लिक तक ले जाना चाहता है तो हमें, और इवन मैं कहूँगा कि आपको, जितने मेल मेंबर्स ये वीडियो देखते हैं, सबको अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितना जल्दी ये सीख लें उतना अच्छा है। वीमन एम्पावरमेंट का समय है और हमें इसमें आगे बढ़ के कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को आंसर, जिसने भी ये कमेंट किया था और किसी के भी माइंड में ये क्वेश्चन था कि क्या ये मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं, तो उनको आंसर मिल गया होगा कि ये मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं। सो गाइज, अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती, क्योंकि नेक्स्ट अभी मुझे जो मिठाई है वो बनानी है, और शाम के लिए खाने का भी देखना है कि खाने में क्या बनाना है, तो ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सोची हूँ कि इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड कर देती हूँ, और नेक्स्ट जो है, जो आगे की जो मिठाई की रेसिपी है और जो भी है, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट, मतलब कि आगे का जो दिन है, आगे का जो रूटीन है, वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं यही सोची हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ, और आगे का रूटीन, आगे का डे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और नेक्स्ट व्लॉग भी नेक्स्ट डे बहुत जल्दी ही मिलेगा आपको, क्योंकि इसी का नेक्स्ट पार्ट है वो, तो ये ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।
खुश रहिए और अपना प्यार अपना सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए। आप लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है और आप लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए मुझे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Thank you.